Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. My name is Tarundeep Gill and I am taking your home science class for class 12th CBSE syllabus. मेरे जो क्लास फर्दर जो वीडियोस आएंगी वो होम साइंस क्लास 12th और साइकोलॉजी क्लास 12th और फैशन स्टडीज 12th और कुछ वीडियोस मेरी जो 11th की है वो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है मैंने. तो आप मेरे चैनल में क्लास 11th और 12th दोनों की वीडियोस देख सकते हो फॉर थ्री सब्जेक्ट्स, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड फैशन स्टडीज़. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 12th होम साइंस. तो जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th की होम साइंस का, दैट इज़ एडोलोसेंस चैप्टर का नाम है. और लेट अस स्टडी व्हाट इज़ एडोलोसेंस. एडोलोसेंस इज़ एन एज जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टीनेजर बोलते हैं, टीनेज बोलते हैं, ठीक है. टीनेज जो हम बोलते हैं कॉमनली उसी को एडोलोसेंस कहा जाता है. और व्हाट इज़ एडोलोसेंट, तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप उसमें क्या बताओगे कि इट इज़ दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एडोलोसेरे. और ये कौन सी एज से स्टार्ट होती है, हम लोग जैसे जनरली पहले तो 13 मानते थे, बट नाउ द मेच्योरिटी इज़ कमिंग मच फास्टर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो मेच्योरिटी आजकल थोड़ी जल्दी आ जाती है. वो मेच्योरिटी क्या चीज़ है वो हम लेटेस्ट स्टेजेस में अभी आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी जो एज है ना, इसका जो एज गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है. तो 13 से 19 बोलते थे वो नहीं अब कहेंगे. अब जो आपकी टेक्निकली मानी जाती है एडोलेसेंट एज वो होती है 11 ईयर्स टू 21 ईयर्स. ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिवीज़न दे रखी है एडोलेसेंट एज की, तीन उसमें स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हरलॉक, गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है. सो फर्स्ट इज़ प्री एडोलेसेंस, स्टार्ट्स फ्रॉम 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स इन गर्ल्स एंड बॉयज़ में 11 टू 13 ईयर्स. वी जनरली नो दैट गर्ल्स गेट मेच्योर अर्लियर, मतलब गर्ल्स में मेच्योरिटी थोड़ी बॉयज़ से जल्दी आती है, तो इसलिए उनका 1 ईयर अर्लियर है. फिर प्री एडोलेसेंस से पहले अर्ली एडोलेसेंस आ जाता है जो कि 12 ईयर्स से स्टार्ट होकर 16 ईयर्स और बॉयज़ में 13 से 17 ईयर्स. एंड देन वी हैव लेट एडोलेसेंस जिसमें 16 टू 21 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 17 टू 21 ईयर्स. ओके, सो बेसिकली इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 10 टू 11 एंड रीचिंग टिल अप टू 21 ईयर्स. ओके, एडोलेसेंस बेसिक मीनिंग तो इसका मतलब डेफिनेशन में तो आप यही तीन चीज़ें इसमें बताओगे कि क्या होता है एडोलेसेंट. लेकिन हमें जनरली एडोलेसेंस का कैसे पता चलता है एडोलेसेंट एज का, जो मेजरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में एक बॉय और गर्ल के, जो बॉडी के अंदर हमें फिजिकल चेंजेस जो नज़र आते हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट मसल्स और फेशियल हेयर्स इन बॉयज़, तो ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इससे हमें आइडिया लगता है कि एक एडोलेसेंट एज स्टार्ट हो गई है. ओके, और दूसरा एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और प्यूबर्टी और मेनार्क, स्पर्मा, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीज़ें मिला के एक एडोलेसेंट एज की स्टार्टिंग होती है. ओके, तो ये तो हो गया इसका मीनिंग. अब इसके अंदर आते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो एक एडोलेसेंट एज है उसके अंदर हमें किस तरह के बिहेवियर नज़र आता है उन बच्चों में जो इस एज में पहुंच जाते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमोशनल टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब आप एक तरीके से कह लो इंस्टेबिलिटी, ठीक है. इंस्टेबिलिटी मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं एडोलेसेंट एज में, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कभी बहुत हैप्पी कभी बहुत सैड, जनरली लोग डिप्रेशन बोलते हैं उसको. तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं, एकदम मूड स्विंग एकदम चेंज हो जाता है मूड. तो इमोशनल टर्मोइल रहता है देर, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू चेंजेस इन हार्मोन, इसकी वजह से होता है. बट ये करेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें ये चीज़ें बहुत होती हैं कि इमोशनली जो मूड है ना वो बहुत इंस्टेबल रहता है, ठीक है. उसके बाद रिबेलियस रिबेलियस नेचर. रिबेलियस का मतलब क्या होता है, एकदम झगड़े वाला या फिर रूल्स ना मानने वाला, तो बहुत लड़ाकू टाइप का नेचर हो जाता है, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है, मतलब बार बार बहस करना पेरेंट्स के साथ टीचर्स के साथ बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं.
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको कोई समझता नहीं है, या फिर वो जिस तरीके से अपने आप को या अपने वर्ल्ड को देखते हैं वो दूसरे लोग उस तरीके से नहीं देखते. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, अभी हम देखते हैं आगे. फिर उसके बाद लव हेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, लव और हेट रिलेशनशिप हो जाता है पेरेंट्स के साथ. जैसे लव तो बिकॉज दे आर देयर पेरेंट्स, तो लव तो एक होता ही है, बट हेट रिलेशनशिप क्यों हो जाता है? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको चीज़ों को करने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बाहर जाने के लिए या फिर कुछ पहनने के लिए. पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि वो मना करें या फिर वो उनको कंट्रोल करके रखें. लेकिन इस एज में एडोलेसेंट्स को लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमको ये रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप देख सकते हैं, तो हम जज कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. तो उनको फिर लव हेट रिलेशनशिप हो जाता है पेरेंट्स के साथ. अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इस लेवल पे खराब होने लगती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उसको कैसे हैंडल करते हैं. ओके, फिर आइडियलिज्म, मतलब आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उनके लिए ना एक कोई एक ही पर्सन आइडियल बन जाता है, कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स नहीं तो कोई फ्रेंड हो गया, या कोई सिबलिंग या कज़न, या कोई एक्टर, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उसको वो मीडिया में देखते हैं या फिर कहीं भी देखते हैं जहाँ पे उसको देख के लगता है कि ये परफेक्ट है और इसकी तरह होना चाहिए हमें भी. तो बहुत जल्दी एक अपना आइडल बना लेते हैं और वो उस आइडल को इतना परफेक्ट अपने इमेजिन कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता. तो अपने आइडियल की ना गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते. मतलब कभी ऐसा तो होता नहीं कि किसी से गलती ना हो, तो जब उनको पता लगता है कि जो जिसको उन्होंने एक आइडल माना था उससे कोई गलती हो गई या उसने कुछ गलत किया है, तो वो बहुत जल्दी मतलब कि उसको हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से. उनको ये लगता है कि ये आइडियल था तो इसने गलती कैसे कर दी. तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस. आइडेंटिटी क्राइसिस किस चीज़ का? अपनी आइडेंटिटी का, क्योंकि ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है. इसमें एक चीज़ लाइन आप और ऐड कर सकते हो कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, किससे? फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. ये एक ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने का, बीच का पीरियड है. मतलब इससे पहले तो बच्चे होते हैं और इसके बाद एडल्ट हो जाते हैं, तो ये एक बीच का पीरियड है जब एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंज हो रहे हो. तो अब यहाँ पे उसको क्या बोलोगे आप, चाइल्ड बोलोगे कि एडल्ट बोलोगे? तो आप भी नहीं डिसाइड कर सकते ना कि एक एडोलेसेंट को आप क्या बोलोगे, बच्चा बोलोगे बड़ा बोलोगे, नहीं हो सकता ना. तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस उनके माइंड में रहता है, और यही आइडेंटिटी क्राइसिस पेरेंट्स और टीचर्स के माइंड में भी होता है. तो उनका बिहेवियर उनके टूवर्ड्स चेंज हो जाता है. जैसे कभी तो वो उनको बच्चा समझ के चुप करा देते हैं, या उनको अपने डिसीजन में बोलने नहीं देते कुछ. कोई बड़ा मेजर डिसीजन हो रहा है फैमिली में और वो बोल रहे हैं कुछ, तो उनको चुप करा देते हैं कि भाई तुम अभी बच्चे हो, चुप करके बैठ जाओ. तो उसको चाइल्ड बना दिया. और कल को अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें वो बच्चों की तरह बिहेव कर दे, या फिर कोई सीरियस बात हो रही है और वो हंसना शुरू कर दे, तो उसको बोलेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, कम से कम बिहेव करना तो सीखो. तो अब पेरेंट्स और टीचर्स भी कन्फ्यूज़ हैं कि उसको बच्चा बोलें कि बड़ा बोलें. तो कभी तो बच्चे की तरह बोल देंगे, कभी बड़े की तरह. तो उस चीज़ में फिर वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है एडोलेसेंट कि भाई हम बच्चों की तरह बिहेव करें कि बड़ों की तरह, क्योंकि वो तो ना तो चाइल्डहुड रह गया ना एडल्टहुड में आया है. तो ये बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस इनकी लाइफ में इस टाइम चल रहा होता है. प्लस और भी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं कि वो जैसे इसमें सोशल आइडेंटिटी आ जाता है, सेक्सुअल आइडेंटिटी आ जाता है कि वो उनका किस सोशली किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या सेक्सुअली होमोसेक्सुअल हैं कि हेट्रोसेक्सुअल हैं. तो बहुत सारे एक तरह से पूरा एक आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो इनको इस स्टेज पे प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि इसके बाद फिर वो फिक्स हो जाती है इनकी आइडेंटिटी इस एज के बाद. ओके, तो एक सर्च ऑफ आइडेंटिटी चल रही होती है. देन यू हैव ईगो सेंट्रिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ये बचपन में जब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा था, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि बच्चों में होता है ईगो सेंट्रिज्म. मतलब वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसे दुनिया भी सोचेगी. हमें कोई चीज़ नहीं पसंद तो दुनिया को भी नहीं पसंद होनी चाहिए. तो एक होता है ना ईगो सेंट्रिज्म, खाली अपने साइड से सोचना, वो वाली चीज़ ना इस एज में फिर से आ जाती है. हमने ये पढ़ा हुआ है कि मिडल एज में धीरे धीरे ईगो सेंट्रिज्म फेड आउट हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंस में थोड़ा बहुत ये फिर से एमर्ज हो जाता है. ठीक है, तो ईगो सेंट्रिज्म फिर से आने लगता है. अब इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखती हैं, और ये दो पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट मिस नहीं करने.
एक तो होता है इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस, और दूसरा होता है पर्सनल फेवर. ये ना आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी पढ़ोगे, अभी जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस पढ़ेंगे तो इनको दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा लगती है. पहला तो इमेजिनरी ऑडियंस, उनको ये चीज़ लगती है कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है, हर कोई ऑडियंस है जो उनको ही देख रहा है, वो इमेजिन करते हैं. सर इस एज में एडोलेसेंस ज़्यादातर क्यों इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेकर, हमेशा तैयार होके क्यों रहते हैं, हमेशा इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होके बाहर क्यों जाते हैं, हमेशा इतना कॉन्शियसली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके माइंड में ये हमेशा चीज़ रहती है कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है, तो एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं कि हमको ही सब देख रहे हैं. दूसरा पर्सनल फेवर का मतलब है कि उनको ये लगता है कि हम जो है ना वो सबसे यूनिक है और हमारे जैसा कोई नहीं है, और हम कोई काम करेंगे तो वो हम सबसे अच्छा करेंगे, और कोई रिस्क भी लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, जैसे फास्ट ड्राइव करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ड्रग्स लेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम हैंडल कर लेंगे. तो ये दो चीज़ें ईगो सेंट्रिज्म में आ जाती है. फिर आता है इम्प्रेशनेबल माइंड. इम्प्रेशनेबल माइंड होता है कि इतनी जल्दी किसी का इम्प्रेशन बन जाता है कि वो उसको सारी बातें अपनी बता देते हैं. किसी का इम्प्रेशन मतलब जो उनसे उनकी तरह बात करे, या उनकी तरह जो वो बोले उनकी हाँ में हाँ बोले, उनसे बहुत सॉफ्टली बात करे, तो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे कि वो उसको अपनी सारी चीज़ें कन्फाइड कर देते हैं, अपनी सीक्रेट्स बता देते हैं, तो बहुत जल्दी एक तरह से किसी पर भरोसा कर लेते हैं. और एक चीज़ इसमें और आती है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इस टाइम पे, कि क्या चीज़ उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ चीज़ें राइट हैं कुछ चीज़ें रॉन्ग हैं, तो जो हमने सोचा वही राइट होगा. तो क्या होता है कि कई बार अपने अथॉरिटीज़ को भी बहुत क्वेश्चन कर देते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत है, ये सही नहीं है, तो उनके अंदर एक फिक्स हो जाती है राइट और रॉन्ग के चीज़ें. तो ये था व्हाट इज़ एडोलेसेंस का मीनिंग और उसकी करेक्टरिस्टिक्स. अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि इस टाइप पे उनके नीड्स क्या होते हैं एडोलेसेंस के, कितने टाइप्स के नीड्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड माई दिस लेक्चर, एंड प्लीज़ पुट योर डाउट्स इन द कमेंट्स कॉलम, एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन वॉच फर्दर वीडियोज़, एंड लाइक एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.